हाय दोस्तों, KKADT यानी कौन करेगा अपने दिमाग को तेज पर स्वागत है। मेरा नाम खगेश्वर तांती है और आप लोग देख रहे हैं KT चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल की ओर। इनमें से रांची शहर किसमें स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी झारखंड में। इस सवाल का उत्तर को कमेंट करके बताइए। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड में। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी अमरकंटक। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए चित्रकूट। तो चलिए अब चलते हैं चौथा सवाल की ओर। वह राशि है जिसके द्वारा पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक है। ऑप्शन ए हेज, ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ, ऑप्शन सी घाटा, ऑप्शन डी बचत। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ। तो चलिए अब चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। रामचरित मानस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इस सवाल का उत्तर को कमेंट करके बताइए। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। क्या आपको ये सभी सवालों के जवाब मालूम थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।